हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ MSD के ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सबको बताया, अपन ने अभी रिसेंट में ना टूर प्लान किया था सीकर टू जम्मू कश्मीर। बाकी किसी रीज़न से ना जम्मू कश्मीर अपन नहीं जा पाए, तो अपन ने ना आगरा का टूर बनाया है। अभी अपन आगरा जा रहे हैं। तो बीच में क्या हुआ, अपने जो कैमरा था ना उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, उस चक्कर में वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो वापस से ना न्यू बैटरी लगाई है इसके अंदर, और पुरानी वाली बैटरी को चार्ज में लगाया है, तभी वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। बीच में मतलब जो व्यूज आया था वो मिस कर दिया मैंने, आप लोगों को दिखा नहीं पाया। अभी आप लोग आए हो मेरे साथ, बने हो, देखो वीडियो, मस्त मस्त व्यू दिखाऊंगा आपको। आगरा जाएंगे, फतेहपुर सीकरी को एक्सप्लोर करेंगे, जो भी अपन से बन पाएगा, अपन जितनी डिस्टिनेशन कवर कर सकते हैं उतनी करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा और देखिएगा। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया अपन ने ब्लॉग, पहले ब्लॉग बनाए थे लेकिन वो मोबाइल से बनाते थे, अब एक्शन कैमरा लाए हैं उससे बना रहे हैं। क्वालिटी कैसी है, कैसी आपको चाहिए, मेरे को कमेंट में बताना, सजेशन करना। और देखिए अभी अपन ना चोमू है ना, चोमू से थोड़ी सी आगे आए हैं, मतलब अपन 350 किलोमीटर है आगरा, 150 किलोमीटर अपन कवर कर चुके हैं, 200 किलोमीटर बच रहे हैं, 200 किलोमीटर और कवर करेंगे। और हम लोग सोच रहे थे कि बीच में ना फतेहपुर सीकरी पड़ता है, तो मतलब एक दिन का स्टे वहीं लेने की सोच रहे हैं। अभी खाना खाने के लिए रुके थे, खाना खाने के बाद थोड़ा वापस से स्टार्ट किया है। अभी 2 बजे का टाइम है, इरादा है अपना मतलब ना 4 या 5 बजे तक ना मतलब कहीं पर स्टे ले लें, और फतेहपुर सीकरी पहुँच जाएँगे 4 बजे तक। तो देखेंगे आगे, मतलब अगर जाना हुआ तो, या तो फिर आगरा में स्टे लेंगे। बाकी कोशिश अपनी ये होगी कि फतेहपुर सीकरी में ही स्टे लें, क्या ना नाइट होने पे अपन नाइट में ना राइड नहीं करेंगे, जितना उतना ना नाइट में राइड करने से बचेंगे। तो यही है, अभी चल रहे हैं फतेहपुर सीकरी जाएंगे, टाइम रहा तो अभी हम तुरंत जाते हैं एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो देखिए आप लोग मतलब नज़ारा देखिए यहाँ का, जितना बेस्ट है। वही बात है, जाने का इरादा था कश्मीर लेकिन जा रहे हैं आगरा। बस मतलब वहाँ पे ना अभी बरसात चालू है, लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा हो रही है, इस चक्कर में ना वहाँ पे टूरिस्ट के लिए ना रास्ता बंद कर रखा है। जो मतलब वहाँ पे पहले से टूरिस्ट गए हुए हैं ना, उनको भी घूमने नहीं दिया जा रहा, वो भी रूम पर बैठे हैं। अभी अपन वहाँ चले भी जाएँगे तो वहाँ जाके रूम पर बैठेंगे, बिना मतलब में रूम का चार्ज लगेगा, खाना लगेगा, क्या मतलब है, घूमने को मिलेगा नहीं। और अभी वहाँ पर स्नो भी नहीं है, तो इस चक्कर में अपन वहाँ नहीं जा रहे। निकले थे वहीं के लिए, लेकिन आधे रास्ते में जब पता चला ना, ऐसी मतलब न्यूज़ मिली कि वहाँ पे मतलब घूमने नहीं दिया जा रहा, लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा हो रही है, बरसात चालू हो गई, तो इस चक्कर में अपन ने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। तो तुरंत अपन रास्ते में थे, वहीं से अपन ने बनाया प्लान आगरा का, तो आगरा के लिए निकले हैं। बाकी आपने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए फुल तैयारी कर चुके थे सारी, मतलब बाइक को ना जम्मू के लिए पूरी प्रिपेयर किया था, रेडी किया था, लेकिन फिर मतलब एंड टाइम पे ऐसा हुआ तो कैंसिल करना पड़ा अपन को। अभी हम हाईवे पर हैं, देखिए नॉर्मल स्पीड है, ज़्यादा हैवी तेज़ स्पीड में नहीं जाएंगे, जितना हो सका उतना मतलब ना सेफ ड्राइव करनी है। और भाई सीकर से निकले थे उस टाइम बारिश मिली थी, लेकिन अभी मतलब जब से ना मतलब रिंग क्रॉस किया है तब से मतलब ना बारिश का एक नामो निशान भी नहीं है, भयंकर वाली धूप पड़ रही है। सोचा था कि मतलब ना बारिश मिलेगी, रेनकोट लिए थे, मतलब बारिश मिलेगी, बारिश में ड्राइव करेंगे, अच्छा मौसम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो धूप निकल रही है भयंकर वाली, मतलब धूप में समझ लो हालत ख़राब हो रही है। और 350 किलोमीटर कवर करना इस धूप में, आप समझ सकते हो हालत कैसी हो जाती है। भाई दिख नहीं रहे, अभी तो हमारे पीछे थे, अभी दिख नहीं रहे, वो पीछे रह गए।
फिर थोड़े टाइम बाद ना वापस से अपन एक टूर प्लान करेंगे, तो जो को भाई भी अपने साथ मतलब जुड़ना चाहे, अपने साथ टूर पे चलना चाहे तो हमें बता सकता है, हमारे साथ चल सकता है, कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और नेक्स्ट राइड मतलब जहाँ की भी करेंगे, बढ़िया वाली जगह, बढ़िया वाली लोकेशन, वहीं की राइड करेंगे, और मतलब सारी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। और जो भी अपन ने मतलब इस टाइम मतलब दिक्कतें फेस की, वो सारी दिक्कतें मतलब इंशाल्लाह अगली बार नहीं होगी, एकदम इजीली राइड होगी अपनी। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो मतलब गुड्डू भाई के जो विक्रांत थे उसकी मतलब जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट का डोम वो टूट गया था, तो उसके लिए मतलब रास्ते में रुक के मतलब उसको रिपेयर करवाना पड़ा, वहाँ पर अपना टाइम चला गया। मतलब फर्स्ट राइड है, मतलब दिक्कतें आ रही हैं, बाकी यही बात है कि निकले हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाएंगे जगह बढ़िया से बढ़िया, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तकलीफ मतलब सहन कर लेंगे। ये देखिए गुड्डू भाई, देखिए गुड्डू को कितने जोश में जा रहे हैं, मस्त। अभी खाना वाना खा के आए हैं, जान आ गई उनके अंदर, ओहो इसलिए जोश में चला रहे हैं। मतलब जब से निकले हैं रास्ता बढ़िया मिला है, बस थोड़ी जगह पे मतलब थोड़ी रोड ख़राब थी, उस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी जब से हाईवे पे मतलब आए हैं अपन उसके बाद तो मतलब बढ़िया चल रही है बाइक, एकदम स्मूथ रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे और आराम से आपको हर एक जगह दिखाएंगे, खूब मज़े करेंगे, आपको भी करवाएंगे। इस रूट में हम कभी पहले आए नहीं हैं, पहली बार आए हैं इस रूट में, तो इतना इस रूट के बारे में पता नहीं है। अभी मतलब इस राइड के बाद जो भी नेक्स्ट राइड होगी इंशाल्लाह बढ़िया होगी और अच्छी जगह पे होगी, और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट राइड की प्रिपरेशन करेंगे। ये थोड़ा मानसून है, मानसून ख़त्म हो जाए उसके बाद थोड़ा सोच रहे हैं और लंबी राइडिंग की। अभी आपको पता है मनाली की लेनी स्लाइडिंग की वजह से वहाँ का कैंसिल करना पड़ा, फिर ये कश्मीर वाला ये भी मतलब कैंसिल करना पड़ा। मतलब पूरा का पूरा यही था कि जो हिल स्टेशन है ना वहाँ पे जाने का इरादा था, बाकी अपनी किस्मत में था नहीं तो मतलब कैंसिल करना पड़ा। तो जो भी है घूम के आना है अपने को, घर नहीं बैठेंगे, घूमने का इरादा बनाया है तो घूमेंगे।